फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर ए के सिंह और आज फिर हमने सी टेट के अंतिम 11 दिन का सी डी पी स्पेशल लास्ट डिवीजन को देखेंगे। और सी डी स्पेशल लास्ट डिवीजन में हम क्या देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके कहीं ना कहीं आपके सी टेट में आपको देखने के लिए मिलते हैं बार बार, और कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन टॉपिकों को करना ज़रूरी है और यही टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आपको बार बार देखने के लिए मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको इनसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज क्लास को हम सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, यानी कि आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि हमारे क्या है, सी डी पी के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, आपको जो पता होना चाहिए वो है बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत। अब बहुबुद्धि सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बहुबुद्धि सिद्धांत है किसका, बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली चीज़ें, और बहुबुद्धि सिद्धांत के यानी अंतःस्थिति अनुपालन संभावना क्या क्या होती है, ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक आपसे मैच द फॉलोइंग में, एक आपसे क्वेश्चन के तौर पर। तो ये किसने दिया है, ये आपका दिया है, लिखिए हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। अब ये इसका क्या है, यानी कि इसमें क्या है, बहुबुद्धि के प्रकार आपको पता होना चाहिए 8 प्रकार जो हैं सही सारे के सारे, और इसके क्या है अंतःस्थिति, ये आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए अंतःस्थिति के अनुपालन के बारे में पता होना चाहिए। तो लिखिए सारे के सारे, मैं आपको सारे के सारे लिखवाता हूँ। पहला यानी कि इस तरह आपका बुद्धि के प्रकार आ जाएंगे, बुद्धि के प्रकार, और इस तरह आपका क्या लिखवाऊँगा मैं आपको, अंतःस्थिति, ठीक है। तो आपको चलिए लिखते हैं, सबसे पहला आपका लिखता हूँ मैं, पहला आ जाएगा भाषिक, भाषिक बुद्धि। अब भाषिक बुद्धि के अंदर कौन कौन से हैं आपके आ जाएंगे, अच्छा वाक वक्तक, ठीक है, और कवि आदि आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या आएंगे, ये आ जाएंगे। दो नंबर पे क्या है आपका, शारीरिक गत संवेदन, संवेदन संवेदनता बुद्धि, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आपको नृत्य कर खिलाड़ी, जिसमें कहीं ना कहीं शारीरिक गतिविधियों का यूज़ होता है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। शिल्प चिकित्सक धावक, और आपका अभी नेता, ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे आपको ये क्वेश्चन। अलग अलग आपसे पूछे भी जाते हैं, तो अलग अलग भी आपको पता होने चाहिए और सारे के सारे मैच करके भी कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। आगे आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पे आपका आता है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में कौन कौन से आ जाएंगे, लिखिए विमान चालक, नाविक, मूर्ति कार, चित्रकार, और वस्तु कार आदि आ जाएंगे इसके अंदर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंत रा वे तिक अंतरा व्यक्तिक बुद्धि,
इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर आपके आ जाएंगे दार्शनिक, आध्यात्मिक, नेता आदि आ जाएंगे इसके अंदर। फिर क्या आपका आएगा? इसके बाद आता है पांच नंबर, इसमें क्या आएगा? तार्किक, गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि में आगे आएगा तर्क करने, फिर क्या आएगा? गणितीय समस्याओं का समाधान, करने से संबंधित योग्यता। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे। छठे नंबर पे क्या आएगा आपका? संगीतमक बुद्धि, यानी संगीत वाली बुद्धि आ जाएगी। तो इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आपके आ जाएंगे गायक, संगीत कार, वादक। आपसे एग्जांपल देके पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, सारे एग्जांपल याद कर लेने हैं। सातवें नंबर पे कौन सा आ जाएगा? अंत व्यक्ति बुद्धि। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? मनो वैज्ञानिक परामर्श दाता, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता आदि। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा आठ नंबर। आठ नंबर में क्या आएगा? प्राकृतिक या प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन से आ जाएंगे? शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञान और आपका प्राणी विज्ञान और पक्षी विज्ञान। ये आपके सारे के सारे इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे के सारे यानी आठों के आठों आपको पता होने चाहिए, आठों के आठों बुद्धि के प्रकार पता होने चाहिए, और कौन सी बुद्धि किसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलती है वो पता होने चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, आपसे पूछ लेगा शिकारी किसके अंदर आएगा, किसान किसके अंदर आएगा, आपसे पूछ लेगा दार्शनिक किसके अंदर आएगा, तो बुद्धि निम्न में से कौन से बुद्धि का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार है, या निम्न में से कौन सा भाषिक बुद्धि का प्रकार है। तो इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो गार्डनर ने दिया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको घुमा फिरा के पता होने चाहिए। आपसे पूछा जाए तार्किक गणित बुद्धि क्या है, तो ये क्या है, किससे संबंधित है, किसने दिया, तो ये आपको पता होने चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो आपका है जेंडर समानता, रूढ़िवादिता और क्या है समता, और यानी कि जेंडर भूमिका के लालचपन की बात। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि सेकंड टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है जेंडर समता, जेंडर
रूढ़िवादिता, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन आप ये मान लीजिए 150 में से एक क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका मिलता है आपका जेंडर समानता, ठीक है, और जेंडर भूमिका में लालपन, ठीक है। अब इसमें से क्या है, समता के ऊपर, भूमिका के ऊपर क्वेश्चन आपको कम देखने के लिए मिलेंगे, रूढ़िवादिता और समानता के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मिलता है, नंबर वन आपका टॉपिक है ये, रूढ़िवादिता के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। अब रूढ़िवादिता क्या है, रूढ़िवादिता क्या है, आपने देखा होगा कि लड़के क्या होते हैं, लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियाँ अज्ञान तक यानी कि अज्ञानी होती हैं। ये क्या है, रूढ़िवादिता, यानी कि ए पर्सन बी पर्सन जो है, यानी ए पर्सन को ज़्यादा हाई पावर दिखाई जा रही है और बी पर्सन को लो पावर दिखाई जा रही है, यानी कि बॉय को ज़्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है, गर्ल को ज़्यादा लो दिखाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, रूढ़िवादिता। जब क्या होगा, इक्वल होगी तो होगी समानता, कि क्या है, लड़का भी समान है लड़की भी समान है। देखो अगर एक यानी कि कहा जाता है कि लड़के क्या होते हैं, मैथ्स में अच्छे होते हैं, ये कहा जाता है ना, आपने भी सुना होगा, और लड़कियाँ क्या है, बायो में अच्छी होती है, ये कहा जाता है। अगर लड़कियाँ बायो में अच्छी होती है तो क्या, आपने जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, सारी जो डॉक्टर हैं वो फीमेल ही मिलती हैं आपको, भाई अगर बायो क्या है लड़कियों ने लिया है तो क्या है, वो यानी कि MBBS भी वही करेंगी, और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग जब करेंगी तो इंजीनियरिंग में भी सारे लड़के ही लड़के मिले खाली, अब सारे इंजीनियरिंग में लड़के मिल रहे हैं, सारे क्या है MBBS में लड़कियाँ मिल रही हैं, तो ऐसा कभी है नहीं, आपको मेल भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो वहाँ पर क्या आ जाएंगी, समानता की बात आएगी, और जहाँ पर रूढ़िवादिता की बात आएगी, जहाँ पर क्या है, ये बात क्या है, इंजीनियरिंग लड़के करेंगे खाली, तो वहाँ पर क्या होगी, रूढ़िवादिता की बात आएगी। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है, और इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो मान लो एक तरह से CTET के लिए इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि अगर CTET इस क्वेश्चन को नहीं डालेगा तो कहीं ना कहीं वो जो सारी चीज़ें हैं, जो कहीं ना कहीं सरकमफ्रेंसेस हैं, जो कहीं ना कहीं CTET के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो पूरी नहीं हो पाएगी, और नहीं पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसका हर्जाना देखने के लिए मिलता है समाज को। और कहीं ना कहीं जब भाई आपको रूढ़िवादिता के बारे में नहीं पता, आप क्या करोगे, वहाँ पर भी क्या है, जब आप टीचिंग करोगे तो वहाँ पर भी रूढ़िवादिता को दर्शाओगे, और वहाँ पर भी कहोगे कि क्या है, बायो और वहाँ पर भी क्या होगा कि लड़कों और लड़कियों के रूढ़िवादिता के बारे में चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, जेंडर पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, समानता की चुनौतियाँ, रूढ़िवादिता की चुनौतियों को कम करने वाले कारण क्या है, ये भाई जब कम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको क्या है, समानता के लिए लेकर आएगा, तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह में आपका क्या आ जाएगा, जब आपको जेंडर पूर्वाग्रह का बात आए तो जेंडर पूर्वाग्रह में कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर बात आ जाएगी, कि पुरानी बातों को लेकर क्या था, भाई लड़का क्या ये वंश चलाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो वो बहुत सारी बातें वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको पता होने चाहिए, जो पुरानी कुरोतियाँ हैं या फिर आपको लड़की और लड़कियों को लेके भेदभाव हैं, वो सारे आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब इससे संबंधित, इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो क्या है, और जो भी UGC NET की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, और CTET के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसा, ये क्या है, लिंग डैश है जबकि जेंडर डैश है। अब इसमें क्या आएगा आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, यानी पहले भी, चलिए तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसमें क्या आपका आ जाएगा, इसमें आपका मिलेगा यानी कि क्या है, लिंग क्या है, जैविक है, ठीक है, और जेंडर क्या है आपका, सामाजिक, यानी कि आप क्या आ जाएगी, तो ये क्या है, यानी कि आ जाएगा आपका सामाजिक संरचना, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों क्या है, लिंग क्या है जैविक और जेंडर क्या है आपका सामाजिक, यानी कि आपको पता होना चाहिए लिंग क्या है बायोलॉजिकल है और ये क्या है सोशियोलॉजिकल, यानी कि सोशली कंस्ट्रक्ट चीज़ें मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, यानी कि जो टॉपिक आपका कहीं ना कहीं, देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टॉपिक भी ख़त्म होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सारे करवाए जा रहे हैं, जैसे कि आपका बहुबुद्धि सिद्धांत था, कक्षा के वातावरण की बात थी, कक्षा के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारण थे, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए जो कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती है। और इम्पोर्टेंट क्या है, सारी ही चीज़ ज़्यादातर आपके इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कराए जा रहे हैं वो आपके पूछे जाएंगे, जैसे आपका अधिगम आ जाएगा, मूल्यांकन आ जाएगा, अब मूल्यांकन क्या है वो इम्पोर्टेंट आपका आ जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपसे पूछा जाता है, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। अब जैसे सीखने के लिए आकलन क्या होता है, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, जिसने CC का 2011 का पेपर दिया हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि यानी कि क्या हुआ स्कूल में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हुआ था, तो वो भी आपका क्या है विद्यालय आधारित आकलन के तौर पर एक तरह से। और विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, विद्यालय में ही आपका आकलन होता है, जैसे छोटे बच्चों का क्या हुआ है विद्यालय में ही आकलन कराया जाता है कि उसका कहीं बाहर नहीं जाती चीज़ें। अब एक चीज़ आपसे नया जो 2000 यानी कि NEP में NEP से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, NEP 2020 में क्या कहा गया है, जो 360 डिग्री बहुआयामी प्रतिक्रिया की बात कही गई है ये भी आपको पता होना चाहिए, और उसमें क्या क्या है जो मूल्यांकन है यानी विद्यालय मूल्यांकन जो था, विद्यालय मूल्यांकन में आपकी योग्यतात्मक और रचनात्मकता को देखा जाना चाहिए, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं और इम्पोर्टेंट आपको पता होने चाहिए जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। देखो आप जब क्या करोगे अच्छी तरह तैयारी करोगे, रिवीजन करोगे, जो आपने पढ़ाया है वो PYQ है वो सारे के सारे पढ़ोगे, आपको कहीं भी यानी कोई भी टीचर या फिर कोई भी आपका जो भी आने वाली बाधाएं वो नहीं रोक सकती एग्ज़ाम पास करने से। ठीक है, बस शर्त ये है आपने सही तरह मेहनत करी हो, सारे PYQ करे हो, सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें करी हो, सारे टैग वर्ड्स आपको याद हो, आपको एग्ज़ाम का पता हो किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, आपने प्रैक्टिस करी हो, ज़्यादा जिसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो उसके उतने ही नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्त आप और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।